ओके सो हमारा पहला प्रोग्राम रहेगा कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डे नेम एज आउटपुट बाय टेकिंग यूजर इनपुट। ये हमारा आज का प्रोग्राम। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या पता चल रहा है कि हम लोग को एक नंबर इनपुट लेना है, ठीक है। तो हम यूजर को बताएंगे एक नंबर इनपुट लेना है, और नंबर हमारा क्या होता है, वो होता है इंटीजर वैल्यू। यूजर नंबर इनपुट करेगा, वन करेगा, टू करेगा, थ्री करेगा। तो ये किसमें आते हैं? इंटीजर में आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इंटीजर को कैसे इनपुट लेंगे, इनपुट फंक्शन का यूज करके। तो अब हम ऐसा करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू को स्टोर करेंगे मेमोरी में। तो उसका नाम हम रख देते हैं val, एक वैल्यू ही पूरा देते हैं। वैल्यू है, वैल्यू नाम का एक बॉक्स है मेमोरी में। उसमें हमें क्या स्टोर करना है, जो यूजर इनपुट करेगा वैल्यू। अब वो इनपुट क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू। तो इंटी लिख दिया मैंने, फिर अब वो क्या, उसको क्या करना है, इनपुट करना है। तो मैंने इनपुट लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद मुझे उसको मैसेज क्या देना है, एंटर द नंबर बिटवीन टू सेवन, वन से सेवन तक जो है आपको नंबर इनपुट करना है। तो यूजर इनपुट कर देगा नंबर, वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, वैल्यू में स्टोर हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि मुझे चेक करना है कि अगर वैल्यू की वैल्यू वन हो तो क्या प्रिंट कर दे मंडे, वैल्यू की वैल्यू। ये थोड़ा ऑड लग रहा है, इसको थोड़ा वैल्यू की जगह हम लोग वैल लिख देते हैं कि अगर वैल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो अगर वन होगी तो मंडे, अगर वैल के अंदर टू पड़ा है तो ट्यूसडे प्रिंट करना है। ऐसे ही चलते चले जाएंगे। अगर वैल के अंदर सेवन पड़ा है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, संडे। अगर वैल के अंदर वन से सेवन के अलावा कोई और नंबर पड़ा है तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, रॉन्ग इनपुट। तो अभी आइए इसको चालू करते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इफ वैल इज इक्वल टू वन, अगर उसकी वैल्यू वन है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कोलन। कोलन मैंने आपको बताया था डेलीमीटर होता है। तो अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा तो अब वो इफ का पार्ट होगा। तो अगर वैल्यू की वैल्यू वन है तो क्या आंसर आएगा, मंडे। तो आपको क्या लिखना है, बस यहाँ पे जाके मंडे लिख देना है, ठीक है। ये हो गया। अब एक और हो सकता है आपके पास ऑप्शन क्या है, कि हो सकता है वैल की वैल्यू टू हो। तो अब वहाँ के लिखेंगे एलिफ वैल इज इक्वल टू टू, अगर ऐसा है तो क्या करें, प्रिंट कर दो ट्यूसडे। तो ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। अब हो सकता है कि वैल की वैल्यू थ्री हो, तो मैं क्या लिखूंगा, एलिफ वैल इज इक्वल टू थ्री, प्रिंट वेंसडे। अब हम क्या करेंगे, हो सकता है हमारे पास एक और ऑप्शन है अभी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे एलिफ वैल की वैल्यू फोर हो सकती है, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, थर्सडे। थर्सडे प्रिंट हो गया हमारा। अब एक और ऑप्शन है हमारे पास, हो सकता है वैल की वैल्यू क्या होगी, फाइव हो सकती है, तो वैल इज इक्वल टू फाइव, अगर ऐसा है तो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा फ्राइडे। अब ऐसा नहीं है तो एक और ऑप्शन बचता है कि वैल की वैल्यू सिक्स हो, तो क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में होगा, सैटरडे। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास एक और आखिरी कंडीशन क्या है, कि हो सकता है कि यूजर वैल्यू क्या इनपुट करेगा, सेवन करेगा, सेवन करेगा, या फिर अभी एक और कंडीशन बची है, हो सकता है वो सेवन इनपुट करे, या फिर हो सकता है कोई और नंबर इनपुट कर दे, एट नाइन टेन, ये सब इनपुट कर दे। तो उसके लिए भी हम यहाँ क्या लिखेंगे, अभी सेवन पे आते हैं कि अगर वैल की वैल्यू सेवन हो तो क्या करो, प्रिंट कर दो संडे, संडे हो जाएगा। अब अगर ऐसा नहीं है, देखो मैंने यूजर को ऑप्शन दिया था वन से लेके सेवन तक में कोई भी नंबर इनपुट डालो, आपको उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल जाएगा। मगर अगर यूजर ने मेरी इस बात को नहीं माना और उसने वन से सेवन के अलावा कोई नंबर डाला, तो वो तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन होगा ना, मैं सबसे उसको आखिर में चेक करूंगा कि भाई अगर वन से सेवन तक जो है अगर उसने नंबर डाला है तो इन ये इफ एलिफ एलिफ इनमें से किसी एक भी कंडीशन में मैच हो जाएगा। अभी मैं आप बताऊंगा इसको कैसे रन करेंगे, ठीक है। आप ये सबसे आखिरी कंडीशन क्या है, कि हो सकता है वो नंबर डाले ही ना वन से सेवन के, तो उसके लिए क्या एक कंडीशन लगेगी, एल्स। एल्स क्या हो जाए, प्रिंट कर दे कि भाई रॉन्ग इनपुट। फिर जब ये सब हो जाए तो यहाँ पे लिख दे प्रिंट जॉब डन, मतलब ये जो मेरा एक बार कंडीशन स्टेटमेंट है, मैंने इतने कंडीशंस लिख दी। अब इसके बाद जब ये हो जाएंगे तो इसका आखिर में प्रिंट क्या होगा, जॉब डन, ठीक है। तो यहाँ देखो वैल्यू की वैल्यू वन थी, तो वन इज इक्वल टू वन, तो है वन, वन के इक्वल होता है, तो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा मंडे। और अब कहाँ आ जाएगा, ये वाला इफ चल गया ना, तो अब ये सारे एलिफ और ये एल्स नहीं चलेंगे। इसका क्या रूल मैंने बताया था आपको, कि यहाँ से इतने आपने कंडीशन दे दी, अब इनमें से कोई एक ही चलेगी, मतलब कोई एक ही ट्रू होगी, और उसके बाद जो उसके अंदर लिखा होगा वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो पहले केस में वन था, तो वन इज इक्वल टू वन, तो प्रिंट हो गया मंडे। अब यहाँ से ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट हुई, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है कुछ नहीं चलेगा। फिर ये यहाँ पे आया, इसने क्या कर दिया, प्रिंट जॉब डन। तो इसको एक और बार रन करके देख लेते हैं। तो जैसे मैंने इनपुट डाला वन, तो आंसर देखिए क्या आ रहा, मंडे एंड जॉब डन। तो अब इस कोड को एक और रन करके देख लेते हैं, और इसका कह रहा है एंटर द नंबर बिटवीन 1 टू 7, तो मैं इसमें इनपुट डालूंगा 5। तो 5 पे देखते हैं आंसर क्या आता है, 5 पे आ रहा फ्राइडे एंड जॉब डन। चेक कर लेते हैं क्यों आ रहा है। तो 5 मेरा वैल में स्टोर हो गया,
अब उसने चेक किया क्या 5 इज इक्वल टू इक्वल टू 1, तो ये तो नहीं होता, तो फिर इस वाली कंडीशन पे आ गया एलिफ में कि क्या 5 इज इक्वल टू इक्वल टू 2, तो ये भी गलत है। फिर यहाँ आ गया क्या 5 इज इक्वल टू इक्वल टू 3, तो ये भी गलत है। यहाँ आया 5 इज इक्वल टू इक्वल टू 4, ये भी गलत है। तो फिर इस वाली कंडीशन पे आया, यहाँ लिखा था 5 इज इक्वल टू इक्वल टू 5, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 इज इक्वल टू इक्वल टू 5 मतलब ट्रू, और ट्रू का मतलब ये वाला जो एलिफ है इसके अंदर जितनी भी चीजें लिखी है वो काम हो जाएगा। तो क्या प्रिंट हुआ फ्राइडे, अब इसके अंदर एक ही लाइन लिखी है तो फ्राइडे प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, तो अब ये बाकी तो एलिफ चलेंगे नहीं, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट जॉब डन। तो इसलिए हमारा क्या रहा था, फ्राइडे एंड जॉब डन। अब इसको एक और टेस्ट केस में देख लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे इनपुट डाला 7, तो 7 में क्या प्रिंट करेगा, संडे। अब ये कैसे हो रहा है इसको देख लो, 7 इक्वल टू 1 गलत है, 7 इक्वल टू 2 नहीं, 7 इक्वल टू 3 नहीं, 7 इक्वल टू 4 नहीं, 7 इक्वल टू 5 ये भी नहीं, 7 इक्वल टू 6 ये भी नहीं। अब यहाँ पे आया क्या 7 इज इक्वल टू 7 होता है, तो इसका मतलब ये वाला जो एलिफ है ये वाला चल जाएगा। इसके अंदर क्या लिखा हुआ, प्रिंट ऑफ संडे, तो संडे प्रिंट हो गया। अब ये संडे जब प्रिंट हो गया तो ये नीचे वाला थोड़ा ना चलेगा, इधर आएगा ही नहीं वो, फिर यहाँ आ जाएगा आखिर में, वो क्या प्रिंट कर देगा, जॉब डन। ठीक है, मतलब इनमें से कोई एक ही चलता है। अब शुरू ऊपर से लाइन से चेक करते चले जाते हैं, जिसमें की भी कंडीशन में मैच कर जाएगा वही वाला काम हो जाएगा, और बाकी सारे नहीं होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और कंडीशन चेक करते हैं यहाँ पे कि एंटर नंबर बिटवीन 1 टू 7। अब हमने डाल लिया मान लो 9, तो 9 के करस्पॉन्डिंग तो कोई डे होता नहीं है, तो वो क्या करेगा, रॉन्ग इनपुट एंड जॉब डन। तो उसने क्या किया, सारे वैल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको चेक करा कि 9 इक्वल टू 1, 9 इक्वल टू 2, इनमें से कोई भी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं दे रही थी। तो जब कोई भी कंडीशन ने ट्रू नहीं दिया इतनी कंडीशंस ने, तो वो आ गया आखिर में एल्स के पास कि आखिर मतलब हर जगह चेक करके उसको कुछ नहीं मिला, तो एल्स पे आ गया और क्या प्रिंट कर दिया, रॉन्ग इनपुट। ठीक है, और उसके बाद क्या प्रिंट कर दिया, जॉब डन। तो इसीलिए क्या आंसर आया था, रॉन्ग इनपुट एंड जॉब डन। ओके सर, ये तो था मेरा प्रोग्राम डे नेम प्रिंट करने का।